सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V30e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग को एनेबल कैसे करेंगे। गाइस ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं इसमें होता क्या है, जब भी आपने कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करोगे जो आपका कीबोर्ड है तो उसमें एक वाइब्रेशन आती है। एंड गाइज अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी अदर लोकेशन पे पेश करते हो तो उसमें भी एक वाइब्रेशन देखने को मिलती है। एंड ये वाइब्रेशन काफ़ी लाइक कह सकते हो इंटरेस्टिंग होती है, बहुत लोगों को पसंद आती है। तो एक बार हम इसको छोटा सा डेमो करेंगे एंड आपको दिखाते हैं हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग को एनेबल कैसे करते हैं। गाइज फोन के अंदर हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग को टर्न ऑन करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को एंड स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना एक सेटिंग्स मिलेगी साउंड एंड वाइब्रेशन, जस्ट आपने प्रेस करना है। देन इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो होते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसमें एक ऑप्शन होगा टच वाइब्रेशन, अगर ये डिसेबल्ड है तो आप इसको एनेबल करेंगे ये हैप्टिक वाइब्रेशन ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में बताया तो टच वाइब्रेशन ऑन कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि एक लेटेस्ट डिवाइस जो आते हैं उसमें नाम भी अपडेट कर दिया गया है, बट ओल्डेस्ट डिवाइस में अभी भी वो हैप्टिक वाइब्रेशन ही है। अगर नीचे देखेंगे हैप्टिक फीडबैक फॉर टैप कीबोर्ड एंड मोर फंक्शंस के लिए काम करता है, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, टेक्स्ट को कॉपी करके किसी लोकेशन में पेस्ट करोगे अदर तो वहाँ पर ये वाइब्रेशन आएगी। इवन टेक्स्ट में कुछ भी आप टाइप करोगे कीबोर्ड में तो ये वाइब्रेशन आएगी। अगर आपने इस हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग को एनेबल एंड यूज़ करना समझ में आ गया होगा तो आप इसको एनेबल करके अपने फोन के अंदर एक्सेस आउट कर सकते हैं।